स्टार्ट। जल ही जीवन है डंडिंग, जल मनुखी जीवन दा आधार है डंडिंग, जल तो बगैर जीवन दी कल्पना नहीं कीती जा सकती डंडिंग। गुरबाणी विच गुरु साहब ने पानी दी महत्ता नू बयान करदिया लिखिया है, पहला पानी जियो होए जित हरिया सब कोए, गुरु साहब ने पानी नू पिता दा दर्जा दिता है डंडिंग। पानी कुदरत दा दिता अनमोल सरमाया है डंडिंग, साड़ी दिन दी शुरुआत ही पानी नाल हुंदी है डंडिंग। पिछली सदी दे अद तक मनुख पानी दी पवित्रता अते इसदी संजम नाल वरतो करने प्रति बहुत सुचेत सी डंडिंग, पर खेतीबाड़ी अते सनती करने दे तेजी नाल विकास करने करके पानी एक पवित्र देवते दी थां वस्तु बन के रह गया है डंडिंग। आबादी विच बेतहाशा वादा होन कारण पानी दी लगातार मांग वधदी जा रही है, जिस नाल भी धरती हेठ पानी दा पद्धर दिनों दिन नीवा हुंदा जा रहा है डंडिंग। असी लालच वस कुदरती दाता नू बेरहमी नाल खत्म करने अते प्रदूषित करने विच कोई कसर बाकी नहीं छड रहे डंडिंग। भारत च भी साफ ते शुद्ध पानी दी घाट पाई जांदी है डंडिंग। एक अध्ययन मुताबक वातावरण तब्दीली करके 2060 तक उत्तरी भारत विच पानी दी वड्डी किल्लत होवेगी डंडिंग। कौमांतरी खोजकारियां दी टीम दा दावा है कि तिब्बती पठार जिस नू एशिया दा वाटर टावर भी कहा जाता है, वगदे पासे वल रेंदे करीब 20 अरब लोकां तक ताज़ा पानी पहुँचाता है डंडिंग। नेचर क्लाइमेट चेंज नां दे रसाले विच प्रकाशित अध्ययन मुताबक वातावरण बारे कमजोर नीति दी स्थिति विच वातावरण तब्दीली करके खेते विच पानी दे भंडारण विच वड्डा निगरण देखण नू मिलेगा डंडिंग। खोजकारियां ने कहा है कि अजिही स्थिति विच केंद्री एशिया ते अफगानिस्तान च पानी दी सप्लाई विच वड्डी गिरावट आ सकती है डंडिंग, जदों के उत्तरी भारत ते पाकिस्तान विच सदी दे मध्य विच पानी दी वड्डी किल्लत रहेगी डंडिंग। विश्व सेहत संगठन अनुसार पीण लई सुरक्षित पानी दी घाट कारण विश्व च हर रोज 2900 बच्चियां दी मौत पानी नाल होण वाले रोगां कारण हुंदी है डंडिंग। आबादी दे प्रसार कारण ही विश्व विच हर 6 व्यक्तियां विचों एक तों वध कोल पीण ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੰਡੀ ਭਰਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8% ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੰਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 74% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੰਡਿੰਗ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੰਡਿੰਗ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 74% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ
पानी मिलता है डंडी। प्रतिदिन पानी की सप्लाई का औसत समा 3 घंटे पाया गया है डंडी। ये एक सरकारी ताज़ा अध्ययन अनुसार जानकारी दी गई है डंडी। भारत के आज़ाद होने वेले प्रति व्यक्ति 6,000 घन मीटर पानी मुहैया से, जो साल 2010 विच घट के करीब 1,600 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गया सी डंडी। केंद्रीय जल स्रोत मंत्रालय दे अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता साल 2025 विच 1,341 घन मीटर अते साल 2050 तक प्रति व्यक्ति पानी दी उपलब्धता 1,140 घन मीटर रह जाएगी डंडी। अज दे मौजूदा हालात ये हैं कि सिर्फ शहरों विच ही नहीं सगों कस्बियां अते पिंडां विच भी शुद्ध पानी दी घाट पैदा हो गई है डंडी। वाटर एड दी रिपोर्ट अनुसार विश्व विच अजे भी 7 बिलियन लोगों नूं पानी मुहैया करवाउण दी लोड़ है डंडी, जदों के साल 2050 तक 2 बिलियन लोगों के इस विच होर शामिल हो जाने की उम्मीद है डंडी। विश्व पद्धर ते वड्डी गिनती विच लोग पानी नूं तरस रहे हैं डंडी। विश्व च तकरीबन 400 करोड़ लोगों नूं पानी नहीं मिल रहा है डंडी, जिस विच 100 करोड़ आबादी भारत की है डंडी। विश्व स्रोत संस्था ने 2019 विच भारत नूं विश्व पद्धर ते पानी लई तनाव वाले देशों की सूची विच 13वां स्थान दिता है डंडी। साल 2018 विच नीति आयोग वालों जारी रिपोर्ट मुताबक एक पासे देश दे करीब 60 करोड़ लोग पानी की भयानक घाट नाल जूझ रहे हैं, दूजे पासे 70% पानी पीण योग नहीं रहा है डंडी। एक सरकारी सर्वेक्षण अनुसार भारत च हर साल 25 लाख लोग हवा अते पानी दे प्रदूषण नाल मर जाते हैं डंडी। दुनिया च सालाना होने वाली कुल मौतों च 3.1% अशुद्ध पानी कारण हुंदियां हन डंडी। धरती ते पानी दी घट रही मात्रा कारण विश्व विच 12% पंछियां दियां प्रजातियां नूं भी खतरा पैदा हो चुका है डंडी। 70 देशां दे 14 करोड़ लोग यूरेनियम युक्त पानी पीण लई मजबूर हन डंडी। परा भारत च लगभग सारे जिलों विच भूजल जहरीलियां धातां दी मात्रा वध चुकी है डंडी। 25 राज्यां दे 209 जिलों दे कुछ हिस्सों विच भूजल विच आरसैनिक दी मात्रा 0.01 mg प्रति लीटर तो वध है डंडी। 29 राज्यां दे 491 जिलों दे कुछ हिस्सों च भूजल विच कैडियम दी मात्रा 0.003 mg तो वध मिली है डंडी। 16 राज्यां दे 62 जिलों दे कुछ हिस्सों विच भूजल विच क्रोमियम दी मात्रा 0.05 mg प्रति लीटर तो वध पाई गई है डंडी। 18 राज्यां दे 152 जिले अजिहे हैं जिथे यूरेनियम दी
ਮਾਰਤਾ 0.03 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੰਡੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੂਰਾਈਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 182 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਡੰਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 188 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 556 ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀਵਰੇਜ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਟਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 77% ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, 15% ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8% ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,423 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,449 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57% ਪਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 43 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕੁੱਲ 138 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੰਡੀ। 109 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬਲਾਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਤੋਂ
एक सौ फीसदी पानी वरत्या जा चुका है। डंडी सिर्फ दक्षिणी पछमी पंजाब दे कंडी इलाके दे 22 ब्लाक हैं जिथे सिर्फ पानी की स्थिति कुछ को तसली बख्श है। डंडी पर यह पानी ना पीण योग है अते ना ही वाही योग है। डंडी पंजाब दे 84 फीसदी हिस्से विच धरती हेठला पानी बहुत हेठा जा चुका है। डंडी किसान धरती हेठों पानी खिंचण लई ट्यूबवैल ते सबमर्सिबल पंपां दी डूंघाई लगातार वधाउंदे जा रहे हन। डंडी भारत विच हर साल 230 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी धरती हेठों कढ़िया जांदा है जदके पंजाब विच 32 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी धरती हेठा कढ़िया जाता है। डंडी भाव 1.5 फीसदी रकबे विचों 14 फीसदी धरती हेठला पानी कढ़िया जाता है। डंडी हर साल उद्योगों की पानी की मंग खेतीबाड़ी लई वधदी मंग तो भी ज़्यादा है। डंडी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना की रिपोर्ट मुताबक साल 1988 तो हरेक साल औसतन अद्धा मीटर पानी का पद्धर हेठा जा रहा है। डंडी केंद्रीय भू जल बोर्ड की साल 2019 च आई रिपोर्ट जो कि साल 2013 तो साल 2017 तक दे खोज अंकड़ियां ते आधारित है च स्पष्ट दर्शाया गया है कि पंजाब की धरती हेठले तिना परतों विच 320 अरब घन मीटर पानी है ते हरेक साल मीह दरियावां चों जीर के 21 अरब घन मीटर पानी धरती दी तह हेठा जांदा है। डंडी रिपोर्ट मुताबक पंजाब च हरेक साल 35 अरब घन मीटर पानी धरती तो खेती घरेलू अते उद्योगक लोड़ां लई बोरां राही बाहर कढ़िया जांदा है। डंडी इस तरह पंजाब दे भू जल का पद्धर हरेक साल 14 अरब घन मीटर डिग रहा है जिस तो स्पष्ट है कि पीण योग पानी दे तिना परतों का पानी साल 2017 तो सिर्फ 23 साल दे समय दे अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। डंडी सन 2017 तो बाद हुण 5 साल लंघ चुके हैं ते सिर्फ धरती हेठ पानी 18 साल लई बचिया है। डंडी आने वाले समय विच साल 2030 तक 40 फीसदी लोकां नूं भारत विच पीण वाला पानी नसीब नहीं होवेगा अते इस नाल 60 करोड़ लोक प्रभावित होणगे। डंडी 21वीं सदी दे भारत लई पानी दी खोज अते इस दी संभाल एक वड्डी चुनौती बन गई है। डंडी सरकारां नूं जल स्रोतां दे 50 फीसदी बजट दी वरत तो पानी की संभाल अते पानी विच कुशलता आदि ते खर्च करनी चाहिदी है। डंडी पानी तो बिना मनुखी सभ्यता का वजूद संभव नहीं है। डंडी पानी दी एक एक बूंद कीमती है। डंडी गुरबाणी अनुसार पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत सानू सारिया नू बाणी दा सत्कार करना चाहिदा है अते पानी दी महत्ता नू समझना चाहिदा है। डंडी सरकार नू कुदरती जल सोमिया दी संभाल अते पानी बचाउण लई ठोस उपराले करने चाहिदे हन। डंडी नहीं तां इस दा
ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਡੰਡੀ